स्नातक स्नातकोत्तर WIT का परीक्षा परिणाम अविलंब घोषित करे विश्वविद्यालय आयसा। उच्च शिक्षा की बर्बादी के जिम्मेदार राजभवन और नीतीश सरकार के नारों के साथ राज्यव्यापी विश्वविद्यालय बंद के तहत ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बंद करवाया गया। बंद में दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और मधुबनी के सैकड़ों छात्र CM लॉ कॉलेज से जुलूस के शक्ल में DNV रोड, विश्वविद्यालय थाना, श्याम मंदिर, सेंट्रल लाइब्रेरी होते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचा, जिसका नेतृत्व आयसा राज्य सह सचिव राजू कर्ण, मनीषा कुमारी, प्रीति कुमारी, लोकेश राज, चंदन आजाद, ओनम सिंह, अजय कुमार, फरहान ने किया। विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित सभी कार्यालय को बारी बारी से कर्मचारियों को बाहर निकालकर बंद कराया गया। उसके बाद कार्यक्रम को सभा में तब्दील कर दिया गया। सभा की अध्यक्षता आयसा राज्य उपाध्यक्ष सह विश्वविद्यालय संयोजक सुनील कुमार ने किया। स्नातक, स्नातकोत्तर व WIT के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम नहीं निकलने से हजारों छात्र का भविष्य अंधकारमय हो गया है। CM लॉ कॉलेज में नामांकन बंद है, वहां के संविदा शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और इन सब के पीछे विधि पदाधिकारी का हाथ है, जिसको कुलपति का संरक्षण प्राप्त है। कुल सचिव के बदले के भाव में किया जा रहा कार्य महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता बढ़ा दिया है। कार्यक्रम को WIT की छात्रा काजल, साधना, कृति, पूजा, प्रिया, वजाहिद तबस्सुम, रोशन यादव, सबा रोशनी, गोलू सिंह, इनोस राज्य उपाध्यक्ष वतन कुमार, दीपक यदुवंशी, मनीष राय, दिलीप यादव, निखिल कुमार, राहुल राज, विशाल मांझी, विवेक मांझी, संतोष रजक, जगदम्बा, केशव कुमार चौधरी, सन्नी तयबा, सुजीत, प्रदीप, सूरज, अंकित, रोहित, शशिकांत, नीतीश, संजीव, गोपाल, जयदेव सहित सैकड़ों छात्र शामिल हुए। संगठन पूरे आंदोलन के मूड में है, पूरे बिहार के उच्च शिक्षा यूपी के ग्रिप में है। मिथिला विश्वविद्यालय के साख को बर्बाद करने वाला यहाँ के कुलपति और कुल सचिव पूरे तौर से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, लेकिन इनके संरक्षण में इनको संरक्षण राज चल दिए हुआ है, जिसके खिलाफ आज छात्र पूरे तरीके से यहाँ पर आक्रोशित है। आप देख रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक के लाखों छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिसके जिम्मेवार यहाँ के कुलपति और कुल सचिव हैं। जहाँ के छात्रों को दूसरे विश्वविद्यालय में नामांकन होना है, डेली विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहा है, छात्र संगठन के दफ्तरों का चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका परिणाम घोषित नहीं हो रहा है। कुलपति का कहना है कि 30 तारीख तक हम रिजल्ट देंगे, फिर भी आप लोग का कुलपति पे विश्वास है नहीं है? कुलपति इतना दिनों से कह रहे हैं, इसके ऊपर छात्रों का जो भविष्य है, जो दूसरे विश्वविद्यालय में एंट्रेंस दिया है, उसका एंट्रेंस फिर से नहीं हो पाएगा, उसका नामांकन के ऊपर पूरे तरीके से साफ साफ जो है एक तरीके से आफत आ गई है कि उसका नामांकन नहीं होगा। इस तरीके से डेली छात्र हम लोग से मिल रहे हैं, हम लोग पूरे तरीके से पक्ष में हैं कि तत्काल 25 तक इसका रिजल्ट तत्काल घोषित किया जाए, और हम लोग का सीधे मांग है राज्यपाल के, बिहार के राज्यपाल से, कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था, जो बिहार पहले विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु को आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव ने तार तार किया है, इसीलिए यहाँ के कुलपति और कुल सचिव को तत्काल बर्खास्त किया जाए और अभी तक के कार्यकाल के पूरे तरीके से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ये हमारा मुख्य मांग है। आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोग विश्वविद्यालय बंद करा रहे हैं। विश्वविद्यालय बंद के मांग पर अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग समान विचारधारा के छात्र संगठन को आह्वान करते हुए नए साल में हम लोग विश्वविद्यालय बिहार बंद की ओर और विश्वविद्यालय में घेरा डालो डेरा डालो की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जब तक यहाँ से कुलपति और कुल सचिव की बर्खास्तगी नहीं होगी, छात्रों की सवाल हल नहीं होगा और छात्र हित में विश्वविद्यालय काम नहीं करना करेगी शुरू और केवल यहाँ पर बदले की भावना से कार्रवाई होगी, तब तक यहाँ पर हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।